तड़प मूवी बहुत अच्छी लगी मेरे को। आहान शेट्टी का एक्टिंग जो था सुपर तरीके से उन्होंने अपने काम को निभाया है और मूवी बहुत अच्छी है। और आहान शेट्टी अभी फर्स्ट उनकी डेब्यू मूवी है। मैं तो बोलूँगा ना 2021 का बेस्ट डेब्यू अवार्ड इनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने काम को प्ले किया है और एक्शन जो होता है बहुत अच्छे तरीके से, रोमांस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया मूवी के अंदर। और तारा की एक्टिंग के बारे में आपका क्या? तारा सुतारिया का भी काम बहुत अच्छा, फर्स्ट हाफ में थोड़ा उनका काम देखने को नहीं मिलता, लेकिन सेकंड हाफ में माइंड ब्लोइंग काम किए बंदी ने। अच्छा, और ये पिक्चर के गाने आपको कैसे लगे? गाने सारे अच्छे हैं, प्रीतम के म्यूजिक है, सारे सॉन्ग अच्छे हैं। मतलब कि ऐसा लगा मेरे को कि आशिकी 2 और एक विलन के टाइम का सॉन्ग सुन रहा, मतलब कि बहुत अच्छे सॉन्ग गाए हैं। बी पराग का एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग सबसे बेहतरीन सॉन्ग है मूवी के अंदर। और पिक्चर में से कौन सी सबसे बेस्ट सीन आपको लगी, जो पसंद आई आपको? बेस्ट सीन क्लाइमैक्स मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो लास्ट का जो क्लाइमैक्स है माइंड ब्लोइंग, वही मेन बेस्ट पार्ट है मूवी का। आप इस पिक्चर को कितना रेटिंग दोगे? मूवी का मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करता 3 स्टार। और तारिया सुतारिया एंड आहान शेट्टी को मैं 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि इन्होंने दिल जीत लिया ऑडियंस को। तड़प पिक्चर देख रहा मैं एक बस ऊपर से ये दो अगर कोई ऐसा तड़पे नहीं है लाइफ में, इट्स रियली डाइंग रोमांटिक लव स्टोरी, जो एंडिंग जो देखा लाइक शॉक हो गया यार। इट्स वॉज रियली गुड मूवी, आप इन्जॉय करोगे, इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ। और आहान शेट्टी का जो रोल था काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ आप इन्जॉय करोगे, फुल ऑन रोमांटिक, फुल ऑन पैशनेट रोमांटिक गाने सीन, आप अंडर द मून ये सब जो यंगस्टर्स मोस्टली आज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो देखते हैं, यू विल इन्जॉय द मूवी। फिर सेकेंड हाफ तारा का रोल देख के, नेगेटिव कैरेक्टर देख के लाइक शॉक्ड, मैं तो शॉक में यार इस तरीके से सुना था, लेकिन होता है रियलिटी में लाइक लड़के तो कमी नहीं होते, डिच करते, लड़कियाँ भी डिच करती थी बुरी तरीके से, यार मूवी में दिखा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। सॉन्ग रब से भी ज़्यादा तुमसे प्यार गया, इस रियली रोमांटिक मूवी, गाना काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी दिल को लगा था, छू लिया था। और जो एक्टिंग जो आहान शेट्टी ने जो किया है, ऐसा लगा था ही इज टॉल हैंडसम फेयर, बहुत अच्छा दिख रहा है। और उसके हाइट के ऊपर जो पर्सनैलिटी के ऊपर जो गाने सूट कर रहे, वो बहुत यू एंजॉयड एवरीथिंग। जो वादिया का जो है ना हिमाचल जहाँ पे शूट हुआ, साजिद नाडियाल ने पैसे की कोई बजट नहीं मूवी में, तो डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे से फोटोग्राफिंग किया। डैडी के जो रोल जिन्होंने किया वो भी काफ़ी सपोर्टिंग रोल, काफ़ी छोटे छोटे कैरेक्टर मूवी में काफ़ी अच्छी तरह से चैनलाइज किया। द मूवी में सब जो भी आपने पूरी तरह से होमवर्क किया और मूवी के ऊपर स्टडी किया, आपने पूरा डिलीवर कर दिया, यू एंजॉय द मूवी। आउट ऑफ 5 आई गिव 4.5 एज ऑडियंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे विल लाइक द मूवी, यू विल एंजॉय द मूवी, यू आप डिसअपॉइंट नहीं होगे मूवी से, यू विल फुल ऑन एंजॉय द मूवी। पिक्चर अच्छी लगी है, बहुत दिन के बाद थिएटर्स ओपन, बहुत 3 साल के बाद तो पिक्चर देखी है मैंने पहली बार, 3 साल के बाद कोरोना के उसमें तो नहीं, पर अभी 2 साल के बाद तो कोरोना का ये चालू हो गया, तो पहली बार देखा है अभी। अभी सुनील शेट्टी के बेटे हाँ फर्स्ट टाइम इसमें दिखे, तो उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा काम किया है और अच्छा भी लगा। और तारा के बारे में आपका क्या? तारा में भी अच्छा काम, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। आपको इस पिक्चर को कितने रेटिंग्स दोगे? अपने हिसाब से आप कितना इसको रेटिंग दोगे पिक्चर के हिसाब से? 5 दे दूंगे। अच्छा, और गाने आपको कैसे लगे? गाने सब अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे, चलेंगे अभी बहुत गाने अच्छे लंबे टाइम तक। आपकी कौन सी फेवरेट सॉन्ग है इस पिक्चर में? तुमसे भी ज्यादा प्यार किया बहुत अच्छा लगा है। पिक्चर भी अच्छी है। अभी आहान सुनील शेट्टी के बेटे आहान ने फर्स्ट टाइम डेब्यू किया, तो उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी इस पिक्चर में? अच्छा लगा है, सुनील शेट्टी जैसा थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है। और तारा के बारे में आपका क्या कहना है? उनका भी अच्छा है। गाना बिना कैसे क्या कैसे लगा आपको? आपका फेवरेट गाना कौन सा था पिक्चर का? फेवरेट गाना तो मेरे को इतना ये नहीं समझ में आया ये कौन सा फेवरेट बोलूं। अच्छा, ये आप इस पिक्चर को कितना रेटिंग दोगे? झूठ बोल रहा है, अच्छी थी क्या? हाय, अच्छी थी। कैसी लगी? बहुत कितने टाइम के बाद थिएटर्स में? नहीं, लास्ट टाइम अभी आए थे थोड़े दिन पहले ही। रिसेंटली कौन सा मूवी देखने आए थे? हाँ, सत्यमेव जयते से कुछ और आए थे। नहीं नहीं नहीं, ये मूवी ठीक है, पर मेकअप वगैरह जो था थोड़ा ओवर लग रहा था। हाँ? हीरोइन पे भी और हीरो पे भी, एंड में मेकअप ओवर लग रहा था। हाँ। अच्छा, आहान जो शेट्टी है वो फर्स्ट टाइम उनका काम आपको कैसे लगा? हाँ, अच्छा था, फर्स्ट टाइम की सबसे अच्छा था, ऐसा भी नहीं कि बुरा था। स्टार्टिंग में लग रहा था कि एक्टिंग इतना नहीं होगा। हाँ, लास्ट में अच्छा था, एक्टिंग वगैरह था, फिजिक्स भी अच्छी थी। और तारा की एक्टिंग? हाँ, तारा की एक्टिंग अच्छी थी। पिक्चर के गाने तो पहले ही पिक्चर रिलीज होने के पहले काफी फेमस हो चुके, तो आपके कौन से गाना आपको पसंद है? वो रीमेक गाना जो था थोड़ा पार्ट, तो पुराना वाला गाना था। हाँ, वो भी अच्छा था। आपको सेम वही पुराना वाला ही जो रिमिक्स था,
फेवरेट गाना अभी गाने पे तो फोकस नहीं था, मूवी अच्छी थी। पिक्चर की कौन सी सीन आपको ज्यादा अच्छी लगी? वो एंड में आता है तारा को डराने, लाइट के क्लाइमेक्स सीन था, और तारा का जो था ना ट्विस्ट वो भी अच्छा, बाइक वाला सीन अच्छा था। उंगली मार के जाना। तो आप दोनों के हिसाब से आप पिक्चर को कितने स्टार्स दोगे? मेरा 3.4। हाँ मूवी तो अच्छी थी, इतना एंटरटेन नहीं हुआ, बाकी थोड़ी रोमांस वगैरह था वो अच्छा लगा थोड़ा, और अच्छा था। और आहान शेट्टी का आपका क्या, उनके बारे में आपका क्या कहना? अच्छी एक्टिंग कर रहा था वो भी, अच्छा था, फर्स्ट मूवी था। लास्ट में थोड़ा कुछ लास्ट में थोड़ा कुछ ओवर हो गया था। अच्छा। स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था, बस लास्ट में एकदम समझी नहीं बीच में ये क्या हो रहा है सब, बीच में नहीं मूवी ना मतलब पार्ट वाइज दिखा रहे थे, मतलब पूरी मूवी एक साथ नहीं दिखा रहे थे, मूवी थोड़ी थोड़ी करके मतलब ना बीच में जो पॉइंट्स मतलब जो थे ना वो लास्ट एंडिंग मूवी में दिखाए थे, मतलब मूवी स्टार्टिंग समझ में नहीं आता पर लास्ट एंडिंग जो मूवी खत्म हुई ना तो मूवी का हर पार्ट ना वर्ड टू वर्ड समझ में आ गया था। क्लाइमैक्स बेस्ट थी, गाने सुपर्ब थे, गाने भी सुपर्ब थे सारे के सारे। लास्ट एंड में जो वजह था ना अभी सुना नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम सुना गाना पर अच्छा था बहुत। 5/5 5/5